नमस्कार दोस्तों, क्रिक पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक वॉइस मैसेज और उड़ गई चेहरे की हवाइयाँ। विराट कोहली ने बताया एबी डिविलियर्स के उस फैसले के बाद हो गए थे इमोशनल। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कहा कि जब उन्होंने एबी डिविलियर्स का वॉइस मैसेज सुना तो वह बहुत भावुक हो गए थे। इसमें मिस्टर 360 के क्रिकेट से संन्यास लेने का मैसेज भेजा था। यह भी कहा था कि वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी अब नहीं खेलेंगे। कोहली ने एक वीडियो में कहा, मुझे साफ याद है कि जब उन्होंने आखिरकार खेल को अलविदा कहने का फैसला किया, उन्होंने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा और मुझे अब भी याद है कि मैं वर्ल्ड कप से वापस आ रहा था, हम दुबई में था और मुझे एक वॉइस नोट मिला। मुझे याद है कि अनुष्का मेरे साथ थी। मैंने उन्हें अविश्वास के साथ देखा। उन्होंने आगे कहा, मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। फिर मैंने उन्हें वो मैसेज और वीडियो दिखाया। उन्होंने सबसे पहले कहा, मुझे मत बताओ, वह सब जानती थी क्योंकि मेरे चेहरे के भाव ही ऐसे हो गए थे। विराट ने इसके बाद बताया कि कैसे इन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि एबी डिविलियर्स लगातार इस बारे में इशारा दे रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे पिछले आईपीएल से ही इस बात का अंदाज़ा था क्योंकि वह लगातार मुझे ऐसा बता रहे थे। वह लगातार ऐसे कह रहे थे, मैं तुम्हें ऐसे ही किसी दिन कॉफ़ी पर मिलना चाहता हूँ। मैं लगातार नर्वस हो रहा था, मुझे लगता था कि कुछ होने वाला है और वह कहते थे, नहीं भाई कुछ नहीं है। हम लगातार बात करते रहते थे लेकिन वह कभी ऐसा नहीं बोलते थे। उन्होंने आगे कहा, यह बहुत अजीब सी भावना थी, मैं काफ़ी इमोशनल हो गया और वॉइस मैसेज भी बहुत इमोशनल था। तो दोस्तों यही थे एक न्यूज़ आज का जो कभी जिसमें बता रहे थे कि वो कैसे इमोशनल हो गए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह के क्रिकेट जगत की खबरें के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।